हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा फ्राई किया हुआ प्याज। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छी तरीके से धुलकर काट के तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लिया है। तो आप इसी तरीके से अपने प्याज के सारे बैचेस को आप तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए और इसे एक प्लेट में निकाल कर रख दीजिए। इसे हम मैरिनेशन के टाइम यूज़ करेंगे। अब हमें चाहिए होंगे खड़े मसाले, तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, जावित्री, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है जो मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के बना लिया था। अब एक बाउल में मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, इसे अच्छी तरीके से 2-3 बार पानी से धुल लिया है। और ये 100 ग्राम दही है जो मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ मैरिनेट करने के लिए। ये प्रोसेस बिरयानी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जो भी मसाले हैं हमारे चिकन में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। ये मैंने रेडीमेड बिरयानी मसाला यूज़ किया है, आप इसे डायरेक्टली मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी पेस्ट जो मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च से तैयार कर लिया था। तो ये 2 बड़े चम्मच पेस्ट है, आप इसे इसमें डाल दीजिए। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। तो नमक हमें अपने चिकन के अकॉर्डिंग ही इसमें डालना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें हरे धनिया के साथ पुदीने की पत्तियाँ भी चॉप करके डाल सकते हैं, वो भी इसके फ्लेवर को जो है थोड़ा सा इन्हेंस करेगा। अब मैंने इसमें डाला है प्याज जो हमने पहले से फ्राई करके रख लिया था। ये लगभग 2 आड़ी का प्याज है जो मैंने फ्राई किया था, वो डाल रही हूँ। बाकी का बचा हुआ प्याज मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी जावित्री और यह दालचीनी, इसे छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके आप इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो मसाले को हमें इस तरीके से मिक्स करना है कि सारा मसाला जो है वो चिकन के ऊपर बढ़िया तरीके से कोट हो जाए। तो बस आप इसको ढक कर 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए मैरिनेट होने के लिए। 1 घंटा होने के बाद कुकर लीजिए। कुकर में आप तेल डालिए 2 बड़े चम्मच। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। ये तेल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो भी प्याज का फ्लेवर है वो इस तेल में एब्जॉर्ब हो चुका है। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाए आप इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून जीरा। तो जीरा को हमें तब तक पकाना है जब तक जीरा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए या थोड़ा सा चटक ना जाए। तो जैसे ही जीरा हमारा पक जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो चिकन को आप स्पून की हेल्प से आप कुकर में डालिए और एक एक करके आप इसमें चिकन के पीसेस डालिए, वरना क्या होगा तेल की चुट्टी आपके ऊपर आ सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान से सावधानी के साथ आप इसमें चिकन के पीसेस डाल दीजिए। तो चिकन के पीसेस इसमें डालने के बाद इसे एक बार आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि जो भी मसाला है और जीरा है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा था उस बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर बचे हुए मसाले को हम इस कुकर में डाल लेंगे। तो मैंने बाउल में पानी डालकर मसाले को कुकर में निकाल लिया है। इसे एक बार हम फिर से चला लेंगे ताकि पानी और मसाला जो है वो मिल जाए आपस में। इस टाइम आपको अपने गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है क्योंकि हमने चिकन में बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। तो अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे या मीडियम फ्लेम रखेंगे तो उससे हमारा चिकन तली में लग सकता है या फिर थोड़ा सा जल सकता है, इसलिए आपको अपने गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है और कुकर में 2 सीटी आने तक आपको चिकन को पका लेना है। कुकर में 2 सीटी आ गई हैं, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब एक अलग भगोने में मैंने पानी लिया है। जब पानी में अच्छा सा खौल आ गया तो मैंने उसमें डाला है 1 हरा मिर्चा, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है इसमें नींबू का रस। अब इसमें डाल देंगे हम अपने खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैंने यूज़ किए हैं 2 तेज पत्ता, 2 इलायची, 1 चक्रफूल और थोड़ी सी दालचीनी। तो इसे हमें पानी में ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है।
या फिर आप कह सकते हैं एक खोल आने तक इसे छोड़ देना है, ताकि इसकी जो भी खुशबू है, जो भी फ्लेवर है, वो हमारा पानी एब्जॉर्ब कर ले। और जैसे ही आपका ये खोल आ जाए या फिर 4 से 5 मिनट पूरे हो जाए, आप इसमें ऐड कर दीजिए लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। तो ये मैंने 2 कटोरी बासमती चावल लिए हैं, जिसे मैंने पानी में 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। तो मैं इसमें अपने सारे चावल डाल दूंगी। चावल डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक हमें थोड़ा सा ही लेना है, क्योंकि हम अभी बिरयानी बनाने के टाइम भी थोड़ा सा नमक और डालेंगे। तो नमक इसलिए डाला है मैंने इस टाइम कि जो चावल इसमें बनेगा वो खिला खिला बनेगा। और अब डाल रही हूँ उसमें 1 चम्मच देसी घी। आप देसी घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। यह इसलिए डाला है ताकि चावल एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। जैसा कि चावल हमने भिगो के यूज़ किया है, तो इसे पकने में 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। और चावल को हमें सिर्फ 60% ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा चावल को नहीं पकाना है। तो चावल हमारे बन गए हैं। मैंने अपने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि चावल हमारे 60% कुक हुए हैं या नहीं? तो आप थोड़े से चावल को चम्मच पे निकाल लीजिए और एक चावल के दाने को आप उंगली पे निकालिए और उसे बीच से तोड़िए। अगर चावल आपको बीच से थोड़ा सा हार्ड लगता है और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब 60% चावल हमारे कुक हो चुके हैं। अब आपको स्ट्रेनर की मदद से चावल को स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इसका जो भी पानी है, सारा पानी इसका निकल जाए। अब एक कुकर लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालेंगे। और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। तेल को कुकर में अच्छी तरीके से फैला लीजिए। और अब इसमें हम चावल की लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग का मतलब ये है कि पहले एक लेयर चावल की डालेंगे, देन चिकन की, देन अगेन चावल की। तो इस तरीके से हमें अपने लेयरिंग कर लेनी है। तो ये मैंने पहली लेयर चावल की डाली है। तो चावल को अच्छी तरीके से कुकर की तली में फैला लीजिए। इसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक हमें बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला हुआ है चावल में और चिकन में भी। तो ये प्याज है जो मैंने बताया था आपको, मैं बाद में यूज़ करूँगी। ये प्याज है, थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए और धनिया डाल दीजिए इसमें आप। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने चिकन रेडी कर लिया है। तो चिकन हमें इस टाइम अपना पूरा नहीं डालना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लेयरिंग करनी है। तो हमें इसमें थोड़ा सा चिकन डालेंगे अभी हम। इसके बाद हम इसमें दूसरी लेयर लगाएंगे अपने चावल की। तो अब जब हम चावल डालेंगे, वो हमें इस तरीके से डालना है कि जो नीचे वाला चिकन है वो पूरी तरीके से ढक जाए। उसके बाद हमें वही प्रोसेस फॉलो करना है कि हमें घी डालना है, नमक डालना है, बचा हुआ प्याज डालना है और धनिया डालना है। देन वापस से हमें चिकन डाल देना है। तो ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा चावल और चिकन ख़त्म नहीं हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी जो टॉप लेयर होगी वो हमारी चावल की ही होनी चाहिए। तो मैंने चिकन डाल दिया है और ये मेरी लास्ट लेयर है चावल की। तो मैं इसमें अब चावल डाल दूँगी। तो चावल डालने के बाद जो हमें तीले से कर ही रहे हैं, जैसे घी डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, तो वही हमें करना है इसमें वापस से। तो ये चावल डाल दिए हैं, अब घी डाल दिया है। इसके बाद बचा हुआ जो भी प्याज है और धनिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे इस टाइम। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर। मैंने ऑरेंज एंड येलो फूड कलर लिया है। आप कोई भी एक ले सकते हैं अगर आपके पास एक है। बस इसे अब हमें 1 सीटी आने से पहले ही बंद कर देनी है गैस। तो एक प्रेशर आने से पहले ही मैंने गैस बंद कर दिया था, क्योंकि चावल हमारा पहले से पका था, चिकन पहले से पका था, तो हमें पूरी सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारी ये बिरयानी बन चुकी है और चावल ने अच्छे से कलर भी एब्जॉर्व कर लिया है। तो बस इसे आप एक बार चला लीजिए, थोड़ा सा हल्के हाथों से चलाइए और इसे सर्व कर लीजिए। तो ये हमारी चिकन बिरयानी रेडी है। आप इसे धनिया के साथ गार्निश कर लीजिए। और इसे रायते और ग्रेवी के साथ सर्व करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।